Now, let us discuss the practical of capital budgeting introduction chapter जो books में आपको दिया हुआ है, the practical portion of it. Part 1 मैंने इसलिए लिखा because second chapter जो हम techniques का मानते हैं, capital budgeting techniques, तो introduction में we have some practical, तो we are discussing that. जैसा theory में आपको बताया था वैसा ही. एक और चीज, इस chapter की जो questions हैं, वो थोड़े lengthy होते हैं, तो पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे कॉपी करना इज नॉट पॉसिबल. तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया हुआ है, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या आप नोट डाउन कर सकते हैं. मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं यहां पर लिख दूंगा, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. तो लेट अस सी अबाउट क्वेश्चन नंबर वन. ये कह रहा है अ फर्म इज कंसिडरिंग टू परचेज अ न्यू मशीन विच विल कॉस्ट रुपीज 1,20,000. मतलब एक फर्म है वो प्लान कर रही है कि हम एक नई मशीन खरीदें जिसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 1,20,000. तो 1,20,000 उस मशीन की कॉस्ट है. हम ये चैप्टर में बेसिकली हमें डिसीजन मेकिंग करना है कि या हम ये मशीन खरीदें या नहीं खरीदें, पुरानी मशीन को नई मशीन से रिप्लेस करें या नहीं करें. तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं. द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन अमाउंट टू रुपीज 25,000. तो इसको इंस्टॉल करवाने का जो खर्चा है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज रुपीज 25,000. देन द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी रुपीज 15,000. इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब अगर आप ये नई मशीन ला रहे हो तो आपको मशीन चलाने का, भाई आपको मटेरियल ज्यादा चाहिएगा क्योंकि मशीन हो सकता है एफिशिएंट ज्यादा हो, तो रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, तो उससे 15,000 की लागत बढ़ जाएगी इस मशीन को लाने से. ठीक है, वर्किंग कैपिटल. द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कैश इनफ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस ऑफ रुपीज 70,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स After which it can be sold for 50,000. तो मैं एक बार दोबारा लाइन रिपीट कर देता हूं. The machine is expected to provide cash inflows before depreciation and taxes of rupees 70,000 for a period of 5 years. मतलब ये जो मशीन है इसका मतलब 5 years, तो इसकी लाइफ 5 साल है. तो ये कह रहा है कैश इनफ्लो आएंगे इस मशीन से बिफोर, इसमें से डेप्रिसिएशन और टैक्स माइनस नहीं हुआ अभी, 70,000 के कैश इनफ्लो आएंगे. कितने साल तक? 5 साल तक. तो इसका मतलब इस मशीन की लाइफ कितनी हो जाएगी? 5 ईयर्स. इसके बाद वो कह रहा है 5 ईयर्स के बाद ये मशीन को आप बेच सकते हो स्क्रैप वैल्यू. तो स्क्रैप वैल्यू आपको बताइए, जब मशीन की लाइफ खत्म हो जाती है उस टाइम पर जो हमें मिलेगी, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है 50,000 लिखा हुआ है. आफ्टर विच इट कैन बी सोल्ड फॉर 50,000. द फर्म अप्लाइज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. ये आपको पता ही है, स्ट्रेट लाइन SLM मेथड बोलते थे जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन सेम लगता था ओरिजिनल कॉस्ट पे. स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड लगेगा, रेट कोई नहीं गिवन इसमें. और कह रहा है टैक्स रेट जो है वो 35% है. डेप्रिसिएशन का कोई रेट नहीं है क्योंकि SLM मेथड में कई बार नहीं दिया होता था, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं. तो कह रहा है द टैक्स रेट ऑन इनकम इज 35%. क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ऑल कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद द मशीन. इस मशीन के साथ कौन कौन से कैश फ्लोज एसोसिएटेड हैं वो आपको निकालने हैं इसके अंदर. ठीक है, तो देखिए मैंने आपको जब थ्योरी पार्ट बताया था तो मैंने आपको बताया था 2-3 तरीके कैश फ्लोज होता है, कैश इनफ्लो, आउटफ्लो, टर्मिनल वैल्यू, और जो हम कहते हैं कि कैश फ्लो एट द एंड ईयर. तो वो इस तरीके से निकालेंगे. तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को जरा देखिए आप. इसको हम 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. अभी सबसे पहला आएगा कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो. भाई मशीन आने से आउटफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो मतलब जितना पैसा हमारा लग रहा है. तो देखिए सबसे पहले मशीन के लिए हमें 1,20,000 रुपए देने पड़ेंगे. तो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन
रुपीज 1,20,000, साथ में मशीन आपने ली 25,000, मशीन को लगवाने का खर्चा है, तो ये भी जाएगा जब मशीन लाओगे, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एक ही बात है, 25,000। इस मशीन को लाने से आपका वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगा, मतलब आपको 15,000 का माल या आपको डेली नीड के लिए 15,000 रुपए एडिशनल चाहिए होंगे, तो ये भी पैसा हमारा लगेगा, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 15,000। तो ये सारे हमारा मशीन आने पर खर्चा हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं टोटल कैश आउटफ्लो, या आप इसको क्या बोल सकते हो, इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल मतलब जब मशीन आई तब क्या खर्चा हुआ, तो टोटल खर्चा जो हमारा हो रहा है इस मशीन के आने से 1,40,000 कैश आउटफ्लो गया। इस मशीन को लगाने का टोटल खर्चा कितना हो गया, 1,40,000। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं तक होता है कि पैसा कितना गया मशीन लगाने से, तो हमने ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया और ये भी यूज कर लिया। अब देखिए यहां दिया हुआ है कैश इनफ्लो, इनफ्लो मतलब जो पैसा आएगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो सेकेंड पार्ट आप लिखेंगे, क्योंकि कह रहा है कैलकुलेट ऑल कैश फ्लो एसोसिएटेड विद मशीन, तो इनफ्लो और आउटफ्लो दो है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लोज। अब देखिए क्या दिया हुआ है, कैश इनफ्लो कितना है हमारा बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो सेम लाइन लिखेंगे, कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना दिया हुआ है, 70,000। देखिए तो नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, फिर टैक्स माइनस करोगे। डेप्रिसिएशन अब हमें निकालना पड़ेगा, तो माइनस डेप्रिसिएशन सबसे पहले। तो देखिए डेप्रिसिएशन मैं आपको बता देता हूं, जब आप एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालते थे, तो फॉर्मूला होता था कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एन। ये अकाउंट्स में आपने 11th 12th क्लास में पढ़ा हुआ है टॉपिक फॉर्मूला। भाई मशीन कितने की थी, 1,20,000, 25,000 को लगाने का। ये क्यों ऐड हुआ, क्योंकि जब तक हम मशीन को यूज करना शुरू नहीं करते, पुट टू यूज, व्हेन द मशीन इज नॉट पुट टू यूज, तो पुट टू यूज से पहले जितना भी खर्चा होगा वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। वर्किंग कैपिटल मशीन से रिलेटेड नहीं है, मशीन लगने के बाद हो सकता है आपको चाहिए हो रॉ मटेरियल, तो लेकिन इंस्टॉलेशन के बिना मशीन चलेगी नहीं। माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी, 50,000 अपॉन 5, तो ये कितना हो गया, 1,45,000, 1,45,000 में 50 के 95,000 डिवाइड बाय 5, तो इसका मतलब हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा मशीन पे, 19,000। तो यहां पर हम लिखेंगे 19,000, तो ये आएगा कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया, कितना आया ये 51,000, दिस विल बी 51,000। इसको आप कैश इनफ्लो बोल लो या एनुअल कैश इनफ्लोज बोल लो, एनुअल मतलब हर साल इतने पैसा आएगा, कितने साल तक, 5 साल तक, क्योंकि मशीन की लाइफ 5 साल है, एनुअल कैश इनफ्लो एक ही बात है। अब ये आ गया, इसमें क्या माइनस करेंगे हम, माइनस टैक्स, कितना परसेंट दिया हुआ है, 35%, तो 35% किसका, 51,000 का 35%, ये आएगा आपका 17,850, ये आएगा आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ये हमारा कितना आएगा 33,150। ये वैसे मोर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि डेप्रिसिएशन इज नेवर पेड इन कैश। सिर्फ हम डेप्रिसिएशन को क्यों माइनस करके दिखाते हैं, ताकि हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाए, कम, लेकिन हम बाद में दोबारा डेप्रिसिएशन को क्यों कर देते हैं ऐड, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम कभी भी क्या कैश में पे नहीं करते, हम पहले डेप्रिसिएशन को माइनस क्यों करते हैं, ताकि हमारी प्रॉफिट कम दिखे, जिससे हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या बने, कम बने। लेकिन हम यहां क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं,
कैश फ्लो का फॉर्मूला ही मैंने आपको बताया था क्या होता है पहले भी, पैट प्लस डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। यहां पर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, कैश की वो दी हुई थी तो हमने नॉर्मल माइनस किया, लेकिन ये आफ्टर टैक्स है तो इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। मुझे कैश फ्लो पे जाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। तो हमारा को क्या मिलेगा, इंक्रीमेंटल और एनुअल कैश इनफ्लोज, ये हमको मिलेगा दोनों को ऐड करके, तो मिलेगा 52,150 हर साल। हर साल मतलब एनुअल का मतलब हो गया हर साल मिलेगा, कितने साल तक मिलेगा, 5 साल की लाइफ है तो 5 साल तक हमारे को ये कैश फ्लो सेम मिलेंगे 52,150। ठीक है, ये जनरली हम 3-4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पार्ट वन था कैश आउटफ्लो, पार्ट टू था एनुअल कैश इनफ्लो कितना होगा। अब ये मैं थोड़ा सा एक बार आपको रब कर रहा हूं, आप ये याद रखना स्क्रैप वैल्यू 50,000 है। ठीक है, क्वेश्चन आप इतना शॉर्ट फॉर्म में तो साथ साथ उतार सकते हैं, लॉन्ग बाद में प्रिंट आउट ले सकते हैं उसका। थर्ड इसके अंदर हम निकालते हैं टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जब मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी, 5 साल हो जाएंगे, तो एट द एंड हमें कितना पैसा मिलेगा या क्या हमारा बचेगा। देखिए सबसे पहला क्या है, एक तो हमें मिलेगी स्क्रैप वैल्यू जब मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी, कितनी थी स्क्रैप वैल्यू 50,000, ये मैंने आपको बता दिया था। प्लस जब मशीन ही चली गई तो ये जो आपने एडिशनल लागत लगाई थी 15,000 की, ये भी फ्री हो जाएगी, फिर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये भी कह सकते हो कि नई मशीन लेंगे उसमें भी तो होगा, लेकिन वो हमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, हम ये मानेंगे जब मशीन चली गई तो ये जो हमारा एडिशनल वर्किंग कैपिटल लग रहा था ये अब नहीं लगेगा, तो ये पैसा भी फ्री हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल कितना है, 15,000 रुपये। तो मतलब मशीन के जाने से कितना पैसा फ्री हो जाएगा या मिलेगा एट द एंड, 65,000, 50,000 स्क्रैप वैल्यू के और 15,000 वर्किंग कैपिटल रिलीज हो गया। अब वैसे तो क्वेश्चन यही कंप्लीट कर देते हैं हम लोग, लेकिन कई बार वो ऐसे भी दिखा देते हैं बुक्स में कि कैश इनफ्लो इन द लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर कौन सा हमारा, इन लास्ट ईयर कितना होगा। लास्ट ईयर हमारा कौन सा होगा, यहां पर फिफ्थ ईयर को नॉर्मली आपसे पूछ ले कि कैश इनफ्लो फिफ्थ ईयर में कितना होगा, फिफ्थ ईयर मतलब लास्ट ईयर में। भाई देखो जब 5 साल पूरे हो गए तो एक तो टर्मिनल वैल्यू मिलेगी, वो कितनी मिलेगी टर्मिनल वैल्यू, वो आपने ऊपर निकाल ली, फिफ्थ ईयर में 65,000 तो यहां से मिलेंगे। प्लस हर साल आपको एनुअल कैश इनफ्लो कितने आ रहे हैं तो वो भी आएगा, फिफ्थ ईयर तक तो आएगा ना, तो फिफ्थ ईयर में हमारे को और क्या आएगा, एनुअल कैश इनफ्लोज, वो कितने आएंगे 52,150। तो फिफ्थ ईयर मतलब एंड ईयर में हमारे को ये पैसा मिलेगा, तो टोटल पैसा कितना बना, 1,17,150। ये हमारा क्या हुआ, कैश इनफ्लो इन फिफ्थ ईयर लास्ट ईयर। अभी इसमें हमने कोई टेक्निक यूज नहीं करी, जनरली हम इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कुछ क्वेश्चंस में यूज करते हैं, बट यहां पर इस फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए बेसिक है। पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा आउटफ्लो इनफ्लो टर्मिनल वैल्यू और लास्ट ईयर में कितना पैसा है। कुछ लोग क्या करते हैं बुक्स में दिखा देते हैं टर्मिनल वैल्यू मतलब एंड, तो ये क्या करते हैं एनुअल कैश इनफ्लो को भी यहीं ऐड कर देते, बात तो एक ही है। ठीक है, वो आप जब आप इस चैप्टर में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आप चॉइस के हिसाब से अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू सेज राम लिमिटेड परचेज द स्पेशल मशीन 1 ईयर अगो एट अ कॉस्ट ऑफ ₹12,000। इसका मतलब 1 साल पहले खरीदी थी, यू कैन से 1 ईयर अगो
कॉस्ट ऑफ मशीन कितना था एक साल पहले? 12,000। राम लिमिटेड परचेज द स्पेशल मशीन 1 year अगो एट अ कॉस्ट ऑफ ₹12,000। द एनुअल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 20,000। तो इसका मतलब एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, खर्चा जो हम बोलते हैं मशीन का, दैट इज 20,000। एनुअल खर्चा जो मशीन का है और ऑपरेशंस के वो कितना है, 20,000। एट प्रेजेंट आज द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन इज 10,000 एंड इट इज एस्टिमेटेड टू हैव एडिशनल यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years आफ्टर विच द सैलवेज वैल्यू इज देन। तो कहने का मतलब क्या है, ये मशीन जब हमने एक साल पहले खरीदी थी जब 12,000 की थी, एट प्रेजेंट मतलब जब एक साल हो गया तो इस मशीन की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी बची, वो कह रहा है 10,000। इसका मतलब 2,000 रुपए से वैल्यू कम हो गई मशीन की, और कह रहा है आज जो मशीन की लाइफ है अब कितनी बच गई, 5 years। मैं रिपीट करता हूं लाइन दोबारा ही वाली, एट प्रेजेंट बुक वैल्यू ऑफ द मशीन इज 10,000 एंड इट इज एस्टिमेटेड टू हैव एडिशनल यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। तो इसका मतलब टोटल लाइफ मशीन की 6 साल थी, तो 12,000 डिवाइड बाय 6 तो 2,000 ईयरली डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, तो 2,000 से वैल्यू कम हो भी रही है। और 5 साल के बाद वो कह रहा है इसकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो निल है, निल मतलब जीरो, कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। देन अब वो क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, अ न्यू मशीन हैज जस्ट कम इन द मार्केट, एक मार्केट में नई मशीन आई है, विच विल डू द सेम जॉब, जो ये सारा काम करेगी जो ये मशीन करती थी, बट विद एन एनुअल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ₹16,000। जो न्यू मशीन आई है मार्केट में वो सारा काम यही करेगी जो ये मशीन करती थी, लेकिन उसका जो एनुअल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो है 16,000, जबकि इस मशीन का कितना है 20,000। तो 4,000 कम खर्चा करेगी वो मशीन नए वाली। द न्यू मशीन विल कॉस्ट ₹25,000, जो नई मशीन है इसकी कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज 25,000। ये जो नई मशीन हम खरीद, अगर आप सोचे खरीदने की, तो 25,000 की मशीन है, हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 years विद 0 सर्विस वैल्यू, इसकी भी वैल्यू लाइफ जो 5 साल है, और स्क्रैप वैल्यू इसकी 5 साल के बाद इसकी भी 0 है। तो इसका मतलब ये जो मशीन थी पुराने वाली इसकी भी लाइफ 5 साल है और इसकी स्क्रैप वैल्यू 0, सेम इसके हैं। द ओल्ड मशीन कैन बी सोल्ड नाउ द ओल्ड मशीन कैन बी सोल्ड नाउ फॉर ₹8,000। ये जो आपकी मशीन है अगर हम सोचें तो इसको हम सोल्ड कर सकते हैं आज 8,000 रुपए में, क्यों, इस मशीन को बेच के ये वाली मशीन खरीद लेंगे। लेकिन आप यहीं पर चेक कर सकते हो, आज हमारी इस मशीन की वैल्यू 10,000 रुपए है, लेकिन आज ये बिकेगी कितने में, 8,000 रुपए में, तो लॉस हो रहा है 2,000 का। तो लेट अस सी आगे, वो आपको बोल रहा है SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूज, तो सेम जो भी मशीन आप यूज करेंगे उसमें SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का लगेगा, ठीक है। एज्यूम टैक्स रेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना, एज्यूम टैक्स रेट ऑफ 40%, 40% टैक्स रेट होगा, उसमें आगे लिखा हुआ है ऑन इनकम एंड कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स क्या होता है, ये इनकम टैक्स में आपने सुना भी होगा टर्म कैपिटल गेन, मतलब जो मशीन आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो एक साल, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो, और लॉन्ग टर्म एक साल से ज्यादा हो जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप कोई मशीन 10 की लेके 12 में बेच रहे हो या 10 वाली मशीन 8,000 में बेच रहे हो तो उस पर टैक्स लगेगा, लॉस पे भी और प्रॉफिट में, प्रॉफिट होगा तो आपको पे करना पड़ेगा और लॉस में आप टैक्स सेविंग क्लेम कर सकते हो। तो वो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कह रहा है एज्यूम टैक्स रेट ऑफ 40% ऑन इनकम एंड कैपिटल गेन्स, ठीक है दोनों पे लगेगा, कैलकुलेट ऑल इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज
आफ्टर टैक्सेस एसोसिएटेड विद रिप्लेसमेंट डिसीजन। पहले वाले के क्वेश्चन में कुछ नहीं था रिप्लेसमेंट, यहां पर हम क्या कर रहे हैं पुरानी मशीन को नई मशीन से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो वो कहता है कि भाई अब हम आपको डिसीजन करना है कि हम मशीन रिप्लेस करें या ना करें। तो मैं यहां लिख देता हूं ऊपर टैक्स रेट 40%, ये लाइन आपने समझ ही ली, ऑन इनकम एंड कैपिटल गेन्स। तो कह रहे कैश फ्लो निकाल के दिखाओ इस मशीन से एसोसिएटेड जो है, अगर आप रिप्लेसमेंट करना शुरू कर रहे हो। रिप्लेसमेंट मतलब, तो इसका मतलब अभी इसकी जो सोल्ड वैल्यू थी वो कितनी थी जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताई। आप इस चैप्टर के स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन मैं चाहूंगा पहले या तो लिख लें या इसका प्रिंट आउट ले लें। तो सबसे पहला काम हमारा वही है, लेट अस सी कैसे इसको देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो, भाई अगर हम सोच रहे हैं ये मशीन लेकर आएंगे तो, और इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, इनिशियल मशीन को लाने में लगाने की कॉस्ट क्या होगी। फर्स्ट पार्ट हमारा यही है, ध्यान से समझिएगा। नई मशीन की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 25,000। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी, यहां कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं है, ये एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, हर साल इतना खर्चा लगेगा मशीन पे या मशीन इतना खर्चा करवाएगी, लेकिन ये इनिशियल मतलब स्टार्टिंग कॉस्ट नहीं है, ठीक है। देन नई मशीन में कह रहा हूं इतने की आएगी, तो कह रहा हूं चलो अगर नई आएगी तो पुरानी बिकेगी, पुरानी कितने की बिकेगी 8,000, तो ये कैश आउटफ्लो नहीं है तो मिलेगा हमें माइनस सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन 8,000। तो इसका मतलब इस मशीन से टोटल कितने पैसे गए, दैट इज 17,000 में पड़ी, 25,000 नई मशीन के, 8,000 पुरानी मशीन बिक गई, ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और कोई खर्चा वगैरह, स्क्रैप वैल्यू तो दोनों केस में जीरो है तो उसका कोई सह लेना देना भी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन आया था, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आई थी और रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, सॉरी एडिशनल वर्किंग कैपिटल आया था। वहां पर टैक्स कोई गेन रिप्लेसमेंट नहीं हो रही थी, यहां पर देखिए एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, तो आप यहां पर लिखेंगे माइनस टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। ये क्या है, अब आपने एक लाइन पढ़ी थी ना कि 40% टैक्स लगेगा इनकम और गेन्स पर, गेन्स मतलब कैपिटल गेन्स पर, लेकिन हमारा यहां कैपिटल गेन नहीं हो रहा, हमारा लॉस हो रहा है। 10,000 की मशीन मैंने 8,000 में बेच दी तो मेरा तो 2,000 का लॉस हो गया, अगर प्रॉफिट होता तो मैं टैक्स पे करता तो यहां पर और पैसा जाता, लेकिन मैं कह रहा हूं भैया मेरा लॉस हुआ है तो मुझे उस लॉस को कंपनसेट भी तो करो। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं ठीक है आप उस लॉस को क्लेम कर सकते हो हमसे, तो मैं कहता हूं 17,000 में से मुझे मेरा कितने का लॉस हुआ, 2,000 का। कैसा आया 2,000, 10,000 की मशीन मैंने 8,000 में बेच दी और उसमें मैं इनकम टैक्स वालों को कहता हूं मैं को 40% टैक्स, अगर प्रॉफिट होता तो मैं टैक्स पे करता, लेकिन लॉस हुआ है 2,000 का तो मैं आपसे टैक्स सेविंग लूंगा, तो इसका मतलब 800 रुपए हमें और मिल जाएंगे। तो इसका मतलब पुरानी मशीन से मिल रहे हैं क्योंकि वो लॉस में बिकी, तो हमारा नेट कैश आउटफ्लो कितना हो गया 16,200। इसका मतलब जो नई मशीन है वो नेट कितने की पड़ी, 16,200 की, आफ्टर सेलिंग द ओल्ड मशीन प्लस जो लॉस हुआ उस पर मैंने इनकम टैक्स वालों से क्लेम कर लिया टैक्स सेविंग कि भाई मेरा लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट होता तो हो सकता है मान लो 10 की 12 में बेच देता तो यहां पर 800 प्लस हो जाते, तो 17,800 मुझे टोटल पे करने पड़ते क्योंकि 800 रुपए का टैक्स इनकम टैक्स वाले लेते, लेकिन अब मेरा लॉस हो रहा था तो मैंने बोला कि मैं आपसे इनकम टैक्स क्लेम करूंगा, जिसको हम बोलते हैं कि टैक्स सेविंग होगी मेरी कितने की 800 की। तो नेट मशीन कितने की पड़ी 16,200 की, ठीक है। यहां से समझ में आया आपको। अभी आप कहेंगे कि इसका कहां काम आएगा एनुअल कॉस्ट का, वो मैं अभी आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आप चेक कीजिए आपको कोई भी कैश फ्लोज नहीं दिए कि ये मशीन इतना कैश फ्लो देगी, ये मशीन इतना कैश फ्लो देगी,
इसीलिए इस क्वेश्चन में इन लोगों ने क्या दे दिया है, एनुअल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट हम इससे निकालेंगे। हम ये थोड़ा सा टेक्निकल बन जाता है, पहले आप ये यहां तक उतार लीजिए बिकॉज मुझे उसके थोड़ा सा चाहिए, आई वॉन्ट की ये डिटेल आपके पास हो, तो आप पहले ये उतार लीजिए, देन आई रब, देन आई विल बी स्टार्टिंग विद एनुअल इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो कितना होगा। तो पॉज करके उतार लीजिए आप। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद कैश इनफ्लो, तो आप यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, और ये इंक्रीमेंटल बोल रहा है तो इंक्रीमेंटल, इनिशियल का कुछ नहीं है, आप इसको इंक्रीमेंटल कैश फ्लो भी लिख सकते हो, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कि एडिशनल कितने कैश इनफ्लो देगी हमें ये मशीन। नाउ अब यहां पर आप चेक कीजिए, नई मशीन को लाने से जो एनुअल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 16,000 है, पहले 20,000 लग रहे थे, तो इसका मतलब यहां पर कैश इनफ्लो में डायरेक्टली नहीं गिवन, मतलब नई मशीन हमारा 4,000 से खर्चा कम कर देगी, पहले 20 लग रहा था अब 16, तो इसका मतलब एक तरह से 4,000 रुपए हमारे बच गए इनफ्लो। तो ये लोग कैसे लिखते हैं, सेविंग इन कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये एक तरह से इनफ्लो हो गया कि हमारा पैसा बच रहा है, या तो देखो सीधी सी बात है आप क्या कमा के लाओ या अपना खर्चा बचाओ, तो इसने बचा लिया, कितना बचाया 4,000, पहले 20,000 लग रहा था अब 16,000 लग रहा है, तो इनफ्लो कितने से बढ़ जाएगा, इसका मतलब 4,000 से बढ़ जाएगा, या आउटफ्लो 4,000 से बच गया, पहले 20,000 देते थे अब 16,000 देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, पहले हमने लिखा था कैश इनफ्लो, फिर हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया था, फिर जो वैल्यू आई थी उसमें से टैक्स माइनस किया था, तो अब यहां पर हम करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, या आप इसको ऐसे भी सकते हो माइनस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, नई मशीन और पुरानी मशीन में डेप्रिसिएशन ज्यादा किसका है, तो देखिए सेम वही फॉर्मूला जो हम पहले लगाते थे, स्क्रैप वैल्यू तो निल है, तो कैसे कर सकते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, न्यू माइनस ओल्ड, भाई न्यू मशीन कितने की है 25,000, माइनस स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं क्योंकि जीरो बोल रहा है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह भी कुछ नहीं है, तो डिवाइड बाय 5, ओल्ड मशीन कितने की थी अभी प्रेजेंट में 10,000, इसकी भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है ना कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, तो जो फॉर्मूला हमने वहां लगाया था कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट जीरो माइनस स्क्रैप वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब 25,000 ही बचेगा डिवाइड बाय 5 नंबर ऑफ इयर्स, सेम 10,000 डिवाइड बाय 5, ठीक है समझ में आया पॉइंट। इसका मतलब नई मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो 5,000 है, पुरानी मशीन का जो डेप्रिसिएशन था वो 2,000 रुपए था, तो नई मशीन के आने से हमें 3,000 रुपए एडिशनल पे करने पड़ेंगे, तो इसका मतलब कैश जो सेविंग है या कैश फ्लो कितना हुआ, या आप ऐसे लिख ले उसको क्योंकि इंक्रीमेंटल बोल रहे हैं ना हर जगह, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कितना हुआ है 1,000, भाई मैं मान गया 4,000 आपने ऊपर बचाए, लेकिन नई मशीन के आने से 3,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन भी बढ़ गया, ठीक है ये आ गया हमारा, फिर जो इंक्रीमेंटल हो रहा है उस पर टैक्स लगेगा 40%, तो दिस वुड बी 400, तो टोटल बना 600, तो ये एक तरह से क्या हो गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एडिशनल इतना बच रहा है, ठीक है, प्लस फिर आपको पता ही है डेप्रिसिएशन इज नेवर पेड इन कैश, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है कि पुरानी और नई मशीन में कितना डिफरेंस है, तो इसका मतलब टोटल इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कितना हो रहा होगा इस मशीन से, कैश इनफ्लो इंक्रीमेंटल कितना आ रहा है 3,600, इसका मतलब पुरानी मशीन और नई मशीन में अप्रोक्सीमेटली जो नई मशीन है वो आपका कैश फ्लो कितने से इंक्रीमेंट कर देगी, दैट इज 3,600, तो आप बताइए क्या हमें ये डिसीजन लेना चाहिए मशीन रिप्लेस करनी चाहिए, यस, क्योंकि ये मशीन क्या कर रही है हमारा, क्या कर रही है
3600 से 3600 से कैश फ्लो बढ़ा रही है एज कंपेयर टू ओल्ड मशीन, तो यस द मशीन शुड बी रिप्लेस। बट बिफोर दैट अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं, टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू मतलब जो मशीन के एंड में, मैं कहता हूं टर्मिनल वैल्यू इस केस में जीरो है। क्यों है जीरो? आपको भी पता है स्क्रैप वैल्यू है नहीं, तो जीरो जनरली स्क्रैप वैल्यू आती है, प्लस कोई और वर्किंग कैपिटल वगैरह रिलीज हो रहा हो या कुछ है वो भी नहीं है, तो टर्मिनल वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो इसका मतलब वन ईयर से लेकर फिफ्थ ईयर तक हर साल कंपनी की फॉर्म कितना अर्न करेगी? 3600 ज्यादा कैश फ्लो अर्न करेगी। तो अगर आप फोर्थ पार्ट बनाते हो कैश फ्लो इन द लास्ट ईयर, तो वो 3600 ही आएगा, तो इसलिए इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर टर्मिनल वैल्यू कुछ है नहीं, तो पांचों साल फॉर्म कितना पैसा अर्न करेगी? दैट इज 3600। तो कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में कैश इनफ्लो डायरेक्टली नहीं गिवन थी कि ये फॉर्म इतना कमा के देगी, ये फॉर्म इतना कमा के देगी। ये हमने कैसे बनाया? भाई हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो गई 4000 से, तो एक तरह से अगर हमारा कॉस्ट कम हो गई तो कैश इनफ्लो बढ़ जाएगा, पैसा हमारे पास बचेगा। कितना बचेगा? 4000। लेकिन नई मशीन के आने से एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको 3000 देना भी पड़ेगा, तो 1000 रुपए टैक्स माइनस के, तो 600। जनरली आपको ज्यादा डेप्रिसिएशन कैश में पे नहीं करते, तो प्लस किया, तो इसका मतलब हर साल ये मशीन हमारे 3600 रुपए 3600 रुपीज ज्यादा कमा कर देगी, या हमारे 3600 बचाएगी एज कंपेयर टू ओल्ड मशीन, तो हम इस मशीन को प्रेफर करेंगे, इन द सेंस लाइक कि इंक्रीमेंटल हो रहा है। लेकिन अब ये पूरा प्रॉपर जजमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज इसके अंदर हम कब तक नहीं कर सकते? जब तक आउटफ्लो और इनफ्लो, जो हमारा कैपिटल बजटिंग टेक्निक है, जब तक हम उसको यूज नहीं करते, जब तक हम डिसीजन मेकिंग फाइनल नहीं कर सकते। बट ये कि ये बढ़ा रही है 3600 से, तो हम जनरल अज्यूम करते हैं कि ठीक है रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। बट फुल फ्लेड डिसीजन, फाइनल कॉन्क्लूसिव डिसीजन आप कब देंगे? जब आप इस पर टेक्निक्स लगाएंगे, तो वो आपको आएगा टेक्निक वाले चैप्टर में, ठीक है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसे हमने यूज किया था ना, वो हम इस चैप्टर में भी यूज करेंगे। और उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालने की, टेबल में कैसे देखते हैं वो भी आप देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सिमिलर है, बट इसके अंदर हम थोड़ा सा एक्सटेंशन करेंगे, बिकॉज इसके अंदर मैं आपको जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने टेक्निक सीखी थी उसको यूज करेंगे, और जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका भी आपको ये थोड़ा बहुत हिंट और स्टार्टिंग करवा देगा। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड टेल यू दैट इन दिस क्वेश्चन वी विल अगेन यूज द प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स, ठीक है? तो टेबल आपको मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ है उसका, आपको आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपने सीखा, तो यहां पर भी, लेकिन वो लास्ट में होगा। तो लेट अस सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन अगेन लेंथी क्वेश्चन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में गिवन है वो हमारे को, तो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है? तो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, एक्स लिमिटेड इज प्रेजेंटली हैविंग अ मैनुअली ऑपरेटेड मशीन विच वॉज परचेज 10 ईयर्स अगो। एक मशीन है जो हमने 10 ईयर्स अगो खरीदी थी, तो आप ऐसे चाहे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। इट हैज अ बुक वैल्यू ऑफ 1,40,000, मतलब आज एट प्रेजेंट जो ओल्ड मशीन है, उसकी जो वैल्यू है वो 1,40,000 है, ठीक है? एंड रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, तो इसका मतलब इसकी लाइफ 10 ईयर्स बची हुई है ओल्ड मशीन की। तो मैं स्टार्टिंग से रीड करता हूं, एक्स लिमिटेड इज प्रेजेंटली हैविंग अ मैनुअली ऑपरेटेड मशीन विच वॉज परचेज 10 ईयर्स अगो, इट हैज अ बुक वैल्यू ऑफ 1,40,000, रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, सैलवेज वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स इज 40,000, तो इसके मतलब इसकी स्क्रैप वैल्यू सैलवेज वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को? 40,000 रुपए। तो बेसिकली इस मशीन की लाइफ टोटल 20 साल हो गई, 10 साल जा चुके, 10 साल बचे हैं, ठीक है? तो ये ओल्ड मशीन का डेटा दिया हुआ है। द मशीन हैज रिसेंटली बिगन कॉजिंग प्रॉब्लम्स विथ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, मशीन क्या है
कि भी प्रॉब्लम दे रही है और ब्रेकडाउन मतलब रुक रही है या टूट फूट गई है, एंड इज कॉस्टिंग कंपनी 20,000 पर ईयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। मतलब इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, हमें इसको मेंटेन करने के लिए हर साल खर्चा करना पड़ रहा है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पर ईयर 20,000 का खर्चा करवाती है ये मशीन। ठीक है, द कंपनी इज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग द ओल्ड मशीन विद न्यूली मशीन। अब न्यू मशीन से रिप्लेस करना चाहती है कंपनी पुरानी मशीन को। ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए आपको एक एक स्टेप एक एक लाइन पढ़ के आपको डिटेल लिखनी चाहिए, इससे आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। द कंपनी इज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग द ओल्ड मशीन विद द फुली ऑटोमेटेड मशीन। इट हैज बीन ऑफर्ड ₹1 लाख फॉर द ओल्ड मशीन एज अ ट्रेड इन फॉर द ऑटोमेटिक मॉडल विच हैज अ लिस्ट प्राइस बिफोर अलाउंस ऑफ ट्रेड इन ऑफ ₹2,20,000। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि भी वो आपको ये कह रहा है कि ये जो मशीन है पुरानी मशीन, इसकी जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है, तो सबसे पहले आप यहां पर चेक कीजिए, यहां पर दो वैल्यू दे रखी है। वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना है, 2,20,000। वो जो दे रखा है वो आपको 2,20,000 दिया हुआ है, लिखा है ना वहां पे। इट हैज बीन ऑफर्ड ₹1 लाख फॉर द ओल्ड मशीन एज अ ट्रेड इन फॉर द ऑटोमेटिक मॉडल विच हैज अ लिस्ट प्राइस बिफोर अलायंस एंड ट्रेड इन 2,20,000। तो मतलब नई मशीन की जो कॉस्ट है वो 2,20,000 है। अगर आप इस मशीन को लेते हो इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीन, ओल्ड मशीन देकर न्यू मशीन लेते हो, तो आपको कितने का ओल्ड मशीन जाएगी, इसका मतलब जो यहां लिख देता हूं मैं, इसका मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट वैल्यू लिख लीजिए, ₹1 लाख। इसका मतलब आप कहते हो पुरानी मशीन ले लो और उसके बदले नई दे दो। नई मशीन कितने की, 220 की। लेकिन वो जिससे आप नई मशीन ले रहे हो कहते हो मैं पुरानी मशीन की वैल्यू ₹1 लाख लगाऊंगा, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 140। तो वो उन्होंने एक ऑप्शन दिया और आपने मान भी लिया होगा एक तरह से। आगे देखते हैं, इट हैज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। नई मशीन की लाइफ भी 10 ईयर्स है और इसकी जो सैलवेज वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू, वो 20,000 दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमने पुरानी मशीन नई मशीन से रिप्लेस कर दी, हमने लॉस कर लिया, 140 की मशीन 1 लाख में दे दी। ठीक है, द न्यू मशीन विल रिक्वायर इंस्टॉलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ 40,000। तो इसका मतलब ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई नई मशीन की 40,000, ये भी रुपीज में है सारा। ठीक है, देन बट इट इज एस्टिमेटेड टू हैव अ कॉस्ट सेविंग ऑफ 80,000 पर ईयर। यहां देखिए अगेन जो सेकेंड क्वेश्चन हमने किया था, ये एनुअल कॉस्ट सेविंग करेगी ये वाली मशीन, कितने का एनुअल कॉस्ट सेविंग करेगी, ₹80,000 का। ये कैश फ्लो इसका मतलब बढ़ा देगी आपका। अगर आप देखो दो ही तरीके हैं, या तो आप कैश फ्लो अर्न कर लो या जो आउटफ्लो हो रहा था उसको सेव कर लो, तो ये सेव कर रही है 80,000। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन आर इंक्लूडेड इन द परचेज कॉन्ट्रैक्ट एंड आर बॉर्न बाय द मशीन मैन्युफैक्चरर। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, जो ये मेंटेनेंस जो खर्चे थे ₹20,000, ये मैन्युफैक्चरर बियर करेगा, हमें बियर करने की जरूरत नहीं है। तो कायदे से ये भी सेविंग होगी, सेविंग ऑफ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ये इनडायरेक्टली आपको बोल रही है कि ये जो मशीन है ये मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होंगे इसके, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर जिससे हमने मशीन लिया वो बियर करेगा। तो जो हम पुरानी मशीन पे ₹20,000 लगा रहे थे वो हमें नई मशीन में लगाने की जरूरत नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर लगाएगा। ठीक है, टैक्स रेट अगेन वो बोल रहा है 40% है दोनों पे, जैसे सेकंड क्वेश्चन में किया था, इनकम पे भी और कैपिटल गेन्स पे भी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा है, SLM जो आपको बताया था, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या हो गया हमारा, स्ट्रेट लाइन मेथड, जो भी हमने पहले दो क्वेश्चंस भी किए। अब यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है, द कंपनी एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन न्यू एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स शुड द मशीन बी रिप्लेस्ड। यहां आपसे डिसीजन मेकिंग करेक्ट पूछ रहा है, जो भी मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया था कि हम वहां पर श्योर नहीं है कि हमें मशीन में रिप्लेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था
कि जब तक हम टेक्निक यूज नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इन्वेस्ट फर्म है उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है। खैर अभी आपको 12% से कोई लेना देना नहीं है, पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे और ये 12% की हेल्प से लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम कंफर्म कर सकते हैं कि क्या हमें मशीन रिप्लेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में मैंने आपको बोला तो थोड़ा सा डाउटफुल है, तो लेट अस स्टार्ट हमारा सेम प्रोसीजर जो हम पहले भी कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो और इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट मतलब नई मशीन को लगाने का खर्चा। ये अब आपको समझ में आ जाना भी चाहिए क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में मेमोरी किया। सेम ऐसे स्टार्ट करते, पैसा कितना गया, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 2,20,000। आई गेस ये आपको समझ में आएगा, नई मशीन लोगे तो 2,20,000 पे करने पड़ेंगे। अब आपको रिप्लेसमेंट वैल्यू होता है वो भी करते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट। इस मशीन को इंस्टॉल करने का खर्चा कितना है, तो प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना होगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमारे को दैट इज गिवन टू अस 40,000, 40,000। तो कायदे से देखा जाए तो मशीन में टोटल खर्चा भी 260 का लग रहा है। मैं कहता हूं चलो 260, लेकिन हमने रिप्लेस करा है ओल्ड मशीन से तो वो उसकी वैल्यू माइनस कर दो। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन 1,00,000। तो इसका मतलब ये मशीन अभी तक हमें नेट कितने की पड़ी है, 1,60,000 की। क्योंकि मैंने कहा था इनिशियल कॉस्ट मतलब जब तक हम मशीन को इंस्टॉल नहीं कर देते थे, यूज नहीं करते, उससे पहले का सारा खर्चा उसमें ऐड होता है। ठीक है, तो इसलिए मेंटेनेंस तो क्या होता है, मशीन चलने के बाद, मशीन चलने से पहले तक का सारा खर्चा मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है। सेम यहां तक आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था, अब दोबारा वही एक और पॉइंट। मैं कहता हूं 1,60,000 पड़ा, बट मैं कहूंगा टैक्स सेविंग भी तो हुई है मेरी, क्योंकि किस पे, टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की जगह मेरा क्या हो रहा है, कैपिटल लॉस। कैसे हो रहा है कैपिटल लॉस, 1,40,000 की मशीन मैंने 1,00,000 रुपए में बेच दी, तो 140 माइनस 1,00,000, इसका मतलब मेरा 40,000 का लॉस हुआ। मैं गवर्नमेंट को कहता हूं उस पर 40% मेरे को वो दो, रिबेट या टैक्स सेविंग होनी चाहिए मेरी, तो 16,000 रुपए और कम हो गए, क्योंकि मुझे एक तरह से इनकम टैक्स से रिफंड आ जाएगा, या जब मैं टैक्स पे करूंगा तो मैं 16,000 रुपए अपनी इनकम में से माइनस कर दूंगा। तो इसका मतलब नेट कैश आउटफ्लो कितना हुआ मेरा, ये नेट इनिशियल कॉस्ट कितनी हुई, दैट इज 1,44,000। ये मेरा हुआ नेट कैश आउटफ्लो या इस मशीन को लगाने का खर्चा। ये हमने सेकंड क्वेश्चन में भी किया था, फर्स्ट में भी किया था, और अब आपको ये पॉइंट आई गेस क्लियर भी हो गया होगा। ये आप उतार लीजिए बिकॉज आई विल रब, बिकॉज फिर मैं इनफ्लो की वैल्यूज आपको निकालना सिखाऊंगा इसमें। खैर आपको वो सेकेंड क्वेश्चन में भी आपने सीख ली थी, बट फिर भी ठीक है, पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए। आई गेस ये समझ में आ गया आपको। नाउ आउटफ्लो की बात हो गई, अब मैं बोलता हूं एनुअल कैश इनफ्लोज कितने होंगे, या इंक्रीमेंटल बोल लो आप, एनीथिंग यू कैन टेक। आई विल रब दिस, नाउ देखिए सेम इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ हमारे को कि ये मशीन इतना कैश फ्लो देगी, तो अगेन वो सेविंग ऑफ कॉस्ट के हिसाब से हमें दे रखा है। तो सिंपल हम सिंपल लिखेंगे सेविंग इन एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 80,000, ये दे रखा हमारे। सेविंग ऑफ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ये भी ऐड हो जाएगा,
सेविंग्स ऑफ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 20,000, तो टोटल 1,00,000 हो गए। इसका मतलब ये मशीन हमारे 1,00,000 रुपए बचाएगी। तो ये कौन सा प्रॉफिट होता है? जनरली मैंने आपको बताया था ये होता है कैश फ्लो या प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ठीक है, आप चाहे इसको प्रॉफिट लिख लीजिए, यहां कैश फ्लो लीजिए, यहां एक ही बात होती है। ठीक है, इसमें तो अब हम क्या करेंगे, माइनस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। नई मशीन और पुरानी मशीन में जैसे हमने वहां सेम प्रोसेस किया था सेकंड क्वेश्चन में, ये मैं आपको यहां निकाल के दिखा देता हूं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। यही निकाल के दिखाता हूं, आप नेक्स्ट पेज पे कहीं या मार्जिन के ऊपर कॉपी कर लेना। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भाई, फॉर्मूला एसएलएम का तो वही होता है, कॉस्ट या बाइंग कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ एंड। तो देखिए पहले न्यू का चेक करते हैं और उसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा, ओल्ड को। फॉर्मूला सेम ही है, नई मशीन की कॉस्ट कितनी है, 2,20,000 प्लस कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, हाँ 40,000। स्क्रैप वैल्यू है मशीन की, यस 20,000। कितने साल की लाइफ है मशीन की, 10। माइनस अब आ जाओ ओल्ड पे, ओल्ड पे चेक कीजिए मशीन की वैल्यू कितनी है आज, 1,40। इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 40 अपॉन इसकी भी लाइफ 10 ईयर्स थी। तो आप चेक कीजिए ये कितना बन रहा, 240 डिवाइड बाय 10, 24,000 इसका डेप्रिसिएशन बन रहा है और इसका डेप्रिसिएशन बन रहा है 14,000 रुपए। तो इसका मतलब हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 10,000, सॉरी ये बन, ये 10,000 बनेगा, तो ये कितना बनेगा हमारा, 14,000, क्योंकि 140 में से 40 गया तो 1,00,000 डिवाइड बाय 10, तो 10,000। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ गया, 14,000। तो ये हो गया 86,000। ये क्या हुआ, कैश फ्लो बिफोर टैक्स। ये उतार लीजिए, फिर मैं आपको वो करके दिखाता हूं टैक्स माइनस करके, टैक्स हमारे को कितना बोल रहा है, या कैश फ्लो बिफोर टैक्स या नेट सेविंग भी आप बोल सकते हो कि नेट सेविंग कितनी हुई, वो एक ही बात है। माइनस टैक्स, 40% टैक्स लगेगा, तो इसका किसका 40%, 86,000 का, तो ये आएगा 34,400। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आपने उतार लिया होगा, तो ये हमारा आ जाएगा, या आप ऐसे लिखते हो नेट सेविंग आफ्टर टैक्स या कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, एक ही बात है। That is 51,600। ठीक है, ये जनरली मैंने बताया इसमें कैश, तो डेप्रिसिएशन को हम ऐड कर देते हैं प्लस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 14,000। तो ये कितना कैश फ्लो जनरेट करेगी, 65,600। ये मैं रख कर देता हूं 65,600 कैश फ्लो ये जनरेट करेगी। कितने साल तक जनरेट करेगी, 10 ईयर्स तक, क्योंकि मशीन की लाइफ ही 10 ईयर है। ठीक है, 10 ईयर्स तक। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू में सिंपल एक ही आएगी, जो नई मशीन है टर्मिनल मतलब जब मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी, में क्या मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू, कोई वर्किंग कैपिटल वगैरह कुछ नहीं है। तो टर्मिनल वैल्यू सिर्फ एक ही है, दैट इज ₹20,000। अब आपको कैश फ्लो एट द ईयर एंड निकालने की जरूरत नहीं होती, वाई, बिकॉज अब हम ये तीन वैल्यू से ही काम करते हैं जब डिसीजन मेकिंग करते हैं। सिर्फ एक फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था, वहां पर उसने सिंपल हमसे बोला था कि एसोसिएटेड कैश फ्लो बताओ, तो वहां पर मैंने बता दिया था, बट जनरली आपके तीन हेड ही होते हैं। ठीक
ठीक है, जब हम इस पे टेक्निक वाला क्वेश्चन करते हैं या डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन करते हैं, टर्मिनल वैल्यू क्या होती है, जो ईयर एंड जब मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी तब हमें क्या पैसा मिलेगा। ये कैश फ्लो तो मिलेगा, ये तो एंड ईयर में भी मिलेगा, लेकिन सिर्फ मशीन से हमारे पास क्या आएगा, ये स्क्रैप वैल्यू, ना ही कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये कुछ नहीं बचेगा। तो ये तीन हमारे पास आ गए। अब मैं आपको इसमें एक चीज बस बताना चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन जनरली हमारा सेकंड वाला भी यहां कंप्लीट हो गया था। अब मैं आपको ये बताता हूं हमारा कैश आउटफ्लो कितना आया था, दैट इज कैश फ्लो हाउ मच, 1,44,000। लेट मी सी, ये एनुअल कैश फ्लोज कितने आ रहे हैं, 65,600। और टर्मिनल वैल्यू कितनी दे रही है, ये टर्मिनल वैल्यू इसका मतलब कब मिलेगी, आफ्टर 10 इयर्स, कितनी, 20,000 नई मशीन की आएगी बस। और ये एनुअल कैश फ्लो कब मिलेंगे, 1 साल से 10 साल तक, क्योंकि एनुअल है ना, 10 साल लाइफ है, तो पूरे 10 साल तक मिलेंगे। कैश आउटफ्लो आज आप मशीन में दे रहे हो तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, वो तो एक ही बात है। क्वेश्चन वैसे तो यहां खत्म हो जाता है, बट यहां पर वो बोल रहा है कि जो फर्म है क्या वो इस मशीन को रिप्लेस करेगी, अगर उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% है। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी सीखा हुआ है कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब यहां देखिए आप, वैसे पता है डिसीजन मेकिंग एक इसमें टेक्निक होती है एनपीवी, वो मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में थोड़ी सी समझाई थी, बट अगर हमें डिसीजन मेकिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, और ये चेक करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लेट अस सी, सबसे पहले देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो आपको डायरेक्टली गिवन है, इट इज गिवन टू यू, क्योंकि आज मैंने खर्चा किया 1,44,000 का, तो वो तो प्रेजेंट वैल्यू है क्योंकि आज की है। अब मुझे क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। यहां ध्यान से देखिए, ये आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया होगा। अब ये देखिए 1 साल से 10 साल तक मुझे ये पैसा मिलेगा, हर साल मिलेगा, सेम अमाउंट मिलेगा। तो अगर आपको याद होगा तो इसका मतलब ये एनुटी अमाउंट हो गया। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, PVAFR, N, आपको याद होगा ये वाला पार्ट, यस। और ये जो टर्मिनल वैल्यू है ये सिर्फ एक ही बार मिलेगी, कब मिलेगी, 10 साल के बाद, सिंगल पेमेंट। तो प्लस टर्मिनल वैल्यू इंटू PVFR, N, आई गेस ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये 10 साल तक मिलेगी हर साल तो एनुटी लग गया, टर्मिनल वैल्यू सिर्फ एक बार मिलेगी सिंगल पेमेंट तो PVF लग गया, PVIF। तो एनुटी अमाउंट हमारा कितना है, 65,600 इंटू PVAFR 12% एंड 10, ये लिखने का तरीका है, टर्मिनल वैल्यू 20,000 इंटू PVF 12%, 10। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स मैंने सिखाई हुई है देखना, तो उसमें आप चेक कीजिए, इसकी वैल्यू आपकी आ रही होगी 5.65, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी आ रही होगी 20,000 PVF, ये PVIF में चेक करोगे 0.322, इसमें एनुटी लगाया, इसमें सिंगल पेमेंट वाला लगाया, तो ये जो टोटल, ये टोटल आपका आना चाहिए, तो वो कितना आएगा वो आप चेक कीजिए, ये बनेगा आपका 3,70,640 प्लस 6,460, ये इतना बनेगा आपका 3,70,640 प्लस 6,460, देखिए टोटल कितना बनेगा,
370,640 प्लस 6460, तो ये आपका बनेगा 377,100। इसका मतलब ये जो नई मशीन है, ये जो हमें आने वाले 10 साल तक पैसा देगी कमाकर, वो इतना देगी। आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है। और आप आज खर्चा कितना कर रहे हो? सिर्फ 1,44,000। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये सबसे अच्छी टेक्निक होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। ये वैसे टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग का पार्ट है, बट ये पहले वाले चैप्टर में भी थोड़ा इंट्रोड्यूस किया हुआ है और मैंने भी आपको थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये बताया था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 377,100 माइनस आउटफ्लो की कितनी है? 1,44,000। तो इसका मतलब आज आपको इनफ्लो ज्यादा आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में और आउटफ्लो कम है, तो इसका मतलब आपको नेट बैलेंस कितना बच रहा है प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में? 233,100। तो एक चीज याद रखिए, हम नेक्स्ट चैप्टर में भी करेंगे, जब भी एनपीवी जीरो से बड़ा होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी या जीरो से बड़ा होगा, तो हम डिसीजन एक्सेप्ट करते हैं। यहां पर डिसीजन क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो आपसे पूछ रहा है क्या मैं मशीन को रिप्लेस करूं? यस, तो आप लिखेंगे यस द मशीन शुड बी रिप्लेस, द मशीन शुड बी रिप्लेस एज इट हैज पॉजिटिव एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये आपका डिटेल आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा इसका, बट आप ये याद रखिएगा। और ये तो कॉमन सेंस ही है कि इस मशीन से आज पैसा जा तो रहा है 1,44,000, लेकिन ये मशीन आज मुझे कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू की टर्म्स में दिखा रही है कि आपको 377,000 रुपीज के आसपास मिलेगा। तो जा रहा है 144 और मिलेगा इतना, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट ही होगा, तो यस मुझे मशीन को रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं, आप, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन में से पहले कॉपी कर लीजिए या आप क्या कर लीजिए उसको वर्ड में कॉपी पेस्ट करके फिर आप सॉल्व कीजिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि जब अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा कर रहे हैं तो ऐसे एक नोटबुक बनाइए जिसके अंदर सारी थ्योरी प्रैक्टिकल, ताकि लास्ट में, और ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रजिस्टर चलेगा, कभी भी आपको फाइनेंस के कॉन्सेप्ट करने होंगे। थैंक यू, आई गेस ये टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। थैंक यू सो मच।